बिजनेस बचाओ कारोबारी बचाओ मोर्चा द्वारा लुधियाना के सर्किट हाउस में व्यापारियों द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में लुधियाना के सभी बड़े कारोबारी एक ही मंच पर एकत्र हुए। को आज ऐसी बिजनेस बचाओ मोर्चा तैयार किया गया, उसका कारण की है कि व्यापारी जो देश चलाता है जो स्टेट चलाता है उन्हें चोर दसाया जाता हमेशा। कभी इनकम टैक्स की रेड, कभी सेल टैक्स वाले रेड, कभी कारपोरेशन वाले आगे तंग करते हैं, कभी पुलिस वाले तंग करते हैं, कभी नाकियां से दुकानदारों को रोकया जाता समान के प्रति, जबकि पुलिस की कोई वो कारगुजारी नहीं हैगी। पर व्यापारी अज बहुत परेशान हो चुका। मैं सारिया सरकार चेतावनी दिना कि असी सारे इकट्ठे हो गए हैं, अज सारे ट्रेड वाले चाहे साइकिल इंडस्ट्री वाले चाहे एयर इंडस्ट्री वाले चाहे कपड़े वाले व्यापारी है तो चाहे कोई व्यापारी है, सारे इकट्ठे होकर एक मंच तैयार किया बिजनेस बचाओ मंच। वो असी चाहे लीगल लड़ना पवे चाहे किसी तरीके लड़ना पवे असी सारे इकट्ठे होकर लड़ांगे। एक 31 मैंबरी का अज गठन कर दिया गया, अगली रणनीति 31 मैंबरी कमेटी की एग्जैक्टिव जी कमेटी असी बनाई है वो करके एक्शन प्लान दिता जाऊगा कि किहड़े किहड़े अफसर जिहड़े सानू धक्का करदे आ, जिहड़े डिपार्टमेंट साडे नाल धक्का करदे उन्हां नाल किस तरह लड़ाई लड़नी उह लड़ा गया। सब ने इकट्ठे होकर एक व्यापार बचाओ मोर्चा बनाया, क्योंकि अज अक्षरशाही जिहड़ी है हर व्यापारियों के उपर बहुत जुल्म कर रही है। पिछे ही देखा कि इनकम टैक्स कितना रेट मारिया, कितना व्यापारियों धक्केशाही कर रहा, चाहे कोई भी महकमा हो व्यापारियों के उपर हावी है। उन्होंने उन्होंने मुकाबला करने के लिए उन्होंने जवाब देने के लिए अभी सारे अब व्यापारी इकट्ठे हो गए हैं। इस मंच राही अभी सारे अफसरों को वार्निंग देने कि तुम धक्का करना बंद कर दो, नहीं तो सानू भी सड़कों से निकलने लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार जी 2019 के चोणा होने जा रही ने, उन्हें भी व्यापारी सारे उन्होंने ही सपोर्ट करेंगे, उन्हें पार्टी सपोर्ट करेंगे जो व्यापारियों कुछ काम करेंगे, क्योंकि आज देखते हैं कि व्यापारियों बहुत धक्का रहा चारे पास। कोई भी सरकार कोई भी अफसर किसी भी व्यापारी गल सुननी तैयार नहीं, क्योंकि असं एक मंच से इकट्ठे नहीं सी, पर अज अं सारे एक मंच से इकट्ठे हो चुके हैं। इस मंच तो सारे वार्निंग दें कि वह समझ जाए, जो सानू भी सड़कों से आने मजबूर होना पड़ेगा।